हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरकेजी फिश फार्म पे। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा दें। और दोस्तों, बच्चे स्टॉक करने के बाद हमें जिस चीज़ का डर था, आखिरकार हमें वही चीज़ देखने को मिला। हमारे सारे बच्चे फंगल इन्फेक्शन का शिकार हो गए हैं, इसलिए हम लोग उसे अब ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हम लोगों ने इसमें 17 से 18 हज़ार बच्चे स्टॉक किए थे, उसमें से हमें अभी 100 से 150 बच्चे मरे हुए अपने पाउंड के ऊपर मिले हैं। इसलिए हम लोगों ने इसमें दवाई देकर इसका ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया है, ताकि यह समय रहते हुए कंट्रोल में आ जाए, नहीं तो हमें काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए हम लोगों ने इसे दवाई के रूप में वाटर सैनिटाइजर का यूज किया है, जिसमें एक है न्यूस्पार्क और दूसरा है विरवैक का। दोस्तों, वही न्यूस्पार्क का वायोनेक्स 80 है, जिसे आप बीके से भी कर सकते हैं, और वही दूसरा सुक्रीना WS है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। इसलिए हम लोगों ने इन दोनों को अपने पाउंड में डाला है, ताकि ये बच्चे को अच्छी तरह से हील कर सके। और वहीं हम लोग इसे फीड में एंटीबायोटिक मिलाकर दे रहे हैं, ताकि ये जल्द से जल्द खुद को हील कर सके। दोस्तों, वहीं जब कभी भी आप अपने पाउंड में बच्चे को स्टॉक करते हैं, तो इसीलिए हम आपको कहते हैं कि आप सबसे पहले उसे नर्सरी में डालें, क्योंकि इसमें आप उसे अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। वहीं आप कुछ मछलियों के देख रहे होंगे, जिसका पेट फूलकर मर गया है, और यह डेथ उसका ओवरफीडिंग के कारण हुआ है। और इन सभी बच्चों में सारे मछलियां फंगल इन्फेक्शन के कारण नहीं, बल्कि कुछ ओवरफीडिंग के कारण भी मरा है। इसलिए हम लोगों ने इसे एक दिन से फीड देना बंद कर दिया है, और आप तालाब में कुछ मछलियों को देख रहे होंगे, जिसके ऊपर आप देख रहे होंगे व्हाइट स्पॉट डिजीज आ गया है। इसलिए हम लोग इन सभी दवाइयों से इसे ट्रीट कर रहे हैं, जिससे बहुत ही जल्द कंट्रोल में आ जाएगा। और दोस्तों, वहीं आपको बता दें, आपको फंगल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन को लेकर पहले से सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे काफ़ी दूर से ट्रैवल करके आते हैं और वे एक दूसरे को घायल कर देते हैं। वहीं जब आप इसे पाउंड में स्टॉक करेंगे, तब ये दोनों डिजीज काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होता है। इसलिए आपको इसे लेकर ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, और कुछ दवाइयों से 1 से 2 दिन या 3 से 4 दिनों में कंट्रोल हो जाता है, जिसमें आपको 100 से 500 या 1000 बच्चे तक का लॉस हो सकता है। इसलिए इन सभी चीज़ों के बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं लें, और पहले से ही अपने स्टॉक में कुछ ऐसे मेडिसिन रखें जो कि काफ़ी एसेंशियल होता है, और उसे आप ऐसे वक्त पे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। पर याद रखें कि इसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द शुरू कर दें, नहीं तो देर होने पर आपके काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चे इसके शिकार होकर मर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।